देखो नाइन्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो क्या बोला है, सैम परचेज 20 दर्जन, ठीक है, टॉय, ठीक है। तो रेट कितना है पर दर्जन का, 375. 375। मतलब एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं ना, एक आइटम का दाम कितना होगा, कोस्ट 375 बाई 12, 75 डिवाइडेड बाय 12. दैट इज योर 31.25, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है उसका वो 33 दिया हुआ है ऑलरेडी एक आइटम का, तो प्रॉफिट हो गया इसका, या गेन जो बोल सकते हो, एसपी माइनस सीपी, तो 33 माइनस 31.25, तो ये कितना आता है 1.75, ठीक है। तो गेन परसेंट अगर निकालना है तो 1.75 गेन अपॉन सीपी का वैल्यू डाल दो, दैट इज 31.25 × 100, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे 28/5%, दैट इज योर 5.6% आता है, ठीक है। ओके, क्या बोलते हैं, सिक्स आर्टिकल्स को, सिक्स आर्टिकल का कोस्ट प्राइस जो है ना 5 रुपए है, ठीक है। 5 रुपए में 6 आर्टिकल्स आप खरीद कर सकते हो, ठीक है। तो वन आर्टिकल्स इज इक्वल टू, वन आर्टिकल का कोस्ट प्राइस कितना होगा, 5/6, 5, ये 6 नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपका सीपी का वैल्यू हो गया। अभी देखो वो 5 आर्टिकल्स को सोल्ड करता है 6 रुपए में, ठीक है। तो एक आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6/5, ये एसपी हो गया ना, 6/5, ठीक है। तो गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, तो एसपी का वैल्यू 6/5 है, सीपी का वैल्यू 5/6 है, ठीक है। तो एलसीएम 30 है ना, तो ये हाँ, 33 माइनस 25, 11/30, ये आपका गेन आ गया, ठीक करेक्ट. हाँ, है। तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन अपॉन बाय सीपी, बी ये इन टू सीपी है, हंड्रेड ये आपका गेन है, × 100। तो 11/30 × 5/6, तो ये कैंसिल कर लो, 10 से 10 गया, 33 से 6 गया 2 टाइम्स में, ये 5, सो ये 10 या 2 टाइम्स में, तो 11 × 2 × 2 फोर्टी 44 फोर होता है, ये गेन यस. परसेंट आ गया तुम्हारा। देखो हंड्रेड और ऑरेंज का दाम है 350, तो एक का कॉस्ट कितना होगा, 350/100, 3.5. हाँ. 3.5 रुपीज होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया एक ऑरेंज का, करेक्ट. ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज RS 48 है, पर दर्जन लिया हुआ है ना, तो एक फोर्टी ऑरेंज का कितना होगा, 48/12 एट बाय 12 फोर. रुपीज। तो क्लियर हाँ. दिखता है ना, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो गेन होगा, एसपी माइनस सीपी, तो बराबर. 4 आया, 0.5 गेन है ना। तो हाँ, 3% क्या है, तो गेन बाय, गेन बाय सीपी तो इनटू 100. 0.5/3.5, तो ये आता है 14, 2/7, ये तुम्हारा गेन परसेंट है, ठीक यस सर. है। लिखो, देखो एज शॉपकीपर सेल 1 ट्रांजिस्टर फॉर RS CP, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस दिया 840, इतने रुपये में बेचता है ट्रांजिस्टर को, और गेन कितना करता है, 20%. गेन करता तुम्हारा, सीपी 100 में 120 कैसे आया? देखो तो कॉस्ट प्राइस 840 है, सीपी
हंड्रेड बाई 120 से करेंगे तो ये 7 टाइम्स में आता है, ठीक है, तो तुम्हारा 700 कॉस्ट प्राइस आ गया। तो नेक्स्ट केस के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस उसका 960 दिया है, ठीक है, और लॉस वैल्यू कितना दिया है, 4%, ठीक है। तो इसका सीपी कितना होगा सेकंड ट्रांजिस्टर का, 100/96 हो जाएगा ना, 100 में से 4 जाएगा तो 96 आता है, इनटू 960, ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो 1000 आता है, ठीक है। तो देखो एक सीपी तुम्हारा 700 आता है, दूसरा 1000 आता है, तो टोटल सीपी कितना हो गया, 1000 प्लस 700 1700 आता है, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होता है, 840 प्लस 960 कितना होता है, 1800, ठीक है। तो गेन निकालेंगे हम लोग, गेन परसेंट, तो टोटल गेन हम लोग 100 माना है, ठीक है, तो 100 बाय सीपी, सीपी का वैल्यू कितना है, 1700 ना, इनटू 100, तो ये कैंसिल कर लो, कितना आता है, 100 बाय 17 आता है, राइट, तो ये 515/17 होता है परसेंट, ठीक है, ये लिख लो। सर हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया?